हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो शाम का समय है और मैंने धृति के लिए एप्पल काटे। नहीं छूंगी तुम्हारा एप्पल, सॉरी। तुम्हें एप्पल अच्छा लगता है? हाँ। देखो इधर, तुम्हें एप्पल पसंद है? हाँ। ओके, सारा एप्पल खा लो, फिनिश करना है, ठीक है? और धृति को खानी थी आइसक्रीम, तो मैं उसे आइसक्रीम खिलाने के लिए बाहर ले गई। आज तीसरा दिन है जो लगातार ये लड़की आइसक्रीम खा रही है, तो अब मुझे डर लग रहा है कि इसकी तबीयत न खराब हो जाए, क्योंकि इसके आवाज में थोड़ा खराश था। अभी सीजन भी वैसा ही वाला चल रहा है ना, सबकी तबीयत खराब हो रही है। जिसे मैं सुन रही हूँ, किसी के बच्चे की तबीयत खराब है, तो किसी की मम्मी की तबीयत खराब है, तो इस समय ये आइसक्रीम खा रही है, तो फिर अब तो मुझे इसे काढ़ा बना के देना पड़ेगा घर जाके। मेरी भी तबीयत खराब सी लग रही है, थोड़ा थोड़ा फीवर सा लग रहा है, तो इसलिए मैं काढ़ा बनाऊंगी। तो अब मैं भी काढ़ा पीऊंगी और इसे भी दूंगी। वो क्या है ना, एक बार आपके लाइफ में बेबी आ गया ना, तो आप बीमार नहीं पड़ सकते, क्योंकि आपको कोई करे ना करे, लेकिन आपको तो बेबी को करना ही पड़ेगा ना। ये काढ़ा है ना, मेरे पापा ने मुझे बना के दिया है। इसमें पापा ने 7-8 आइटम डाले हैं, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद है क्या क्या डाला है, पर मुझे याद है कि हल्दी था, मुलेठी था, सौंठ था। पापा ने कहा था जब भी इसको खौलाना पानी में, तो इसमें तुलसी के पत्ते डाल देना, तो मैं तुलसी के पत्ते हमेशा डाल देती हूँ इसमें। नहीं गिराऊंगी बेटा। तो अब मैं काढ़ा पी रही हूँ और धृति भी काढ़ा पिएगी। इसे काढ़ा पिलाने में अब इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती मुझे, क्योंकि मैंने इसको काढ़ा पिलाने पे बहुत मेहनत की है, हमेशा से पिलाते आई हूँ। तो अब ये इस चीज से यूज टू हो गई है कि काढ़ा पीना है, काढ़ा ऐसा ही लगता है। अब तो खुद धृति को थोड़ी सी खांसी आ जाती है, तो आके बोलती है मम्मा खांसी आया है, काढ़ा दे दो। अगर आपको ठंडा या आइसक्रीम खा के अक्सर जुखाम हो जाता है, तो उसके बाद आप काढ़ा पी सकते हैं और आप जुखाम से दूर रह सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो आप भी ट्राई करें। और अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।